हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बी टी व्लॉग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी टी व्लॉग्स में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। अभी मैं आलमगंज में हूँ और आलमगंज में दो बेहतरीन जानवर है मेरे सामने, एक काला है और एक ब्राउन। तो ये जो दो जानवर हैं ये साबिर भाई के हैं। साबिर भाई जो कि अभी उन्होंने कॉम्पिटिशन जीता है, पीजन फ्लाइंग कॉम्पिटिशन होता है पूरे पटना में। पटना लेवल पर वो ओवरऑल विनर रहे थे, फर्स्ट प्राइज़ जीता है उन्होंने। और बकरों का शौक़ भी रखते हैं, तो साबिर भाई से मुलाकात करते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई, खैरियत से हैं? और ये जानवर आपने कब से पोस रखे हैं? ये तकरीबन हो गया 11 महीना, बकरीद के 1 महीना बाद लिया। बकरीद के 1 महीना बाद लिया था? अच्छा, ये कहाँ से लिया था आपने? ये सुल्तानगंज में लिया था। अच्छा, सुल्तानगंज से लिया था। तो ये जो है इसे खिलाते क्या हैं आप अभी? इसको देते हैं कुराई चोकर, महीन दर्रा जो होता है वो। सानी देते हैं कि सूखा देते हैं? सानी, सूखा ही देते हैं हम, सानी कभी कभी देते हैं। अच्छा, तो ये देखिए तैयारी आप देखें जानवर की, माशाल्लाह। ये लिया था तो क्या वजन पे था जानवर आपका? 19 kg था, ब्लैक वाला 20 kg था। 19 kg था और 20 kg। तो मैं ये देख रहा हूँ कि उसने हाइट अच्छी निकाली है, लेकिन ये जो है उतना हाइट निकाला नहीं, तो ये शॉर्ट फ्रेम में रह गया जी। और ये नस्ल कौन सी होगी कुछ पता आपको? एक तो सोजत था, लाल वाले के बारे में नहीं कह सकते, ये तो क्रॉस लग रहा है, इसका तो सोजत से क्रॉस लग रहा है। ये दोनों क्रॉस ही है, लेकिन यहाँ सोजत का लुक आ रहा है, ब्लैक सोजत। और काफ़ी अच्छा है, 1 साल में जो आपने तैयारी की है मैं दिखाना चाहता हूँ पब्लिक को। अभी कितने दांत पे? अभी ब्लैक वाला जस्ट ईद के बाद 2 दांत किया है और लाल वाला अभी 4 दांत हो जाएगा, अभी हुआ नहीं। तो ये मतलब 2 दांत पे है ब्लैक वाला जी। और ये 2 दांत पहले लगाया है। ये अभी ये कब 2 दांत किया था ब्लैक वाला? ब्लैक वाला ईद के बाद पहला दांत। अच्छा, ये तो दोनों कुर्बानी के जानवर हैं। एक सेल आउट है ब्लैक वाला और रेड वाला कुर्बानी के। ये ब्लैक वाला जो है ये सेल के लिए अवेलेबल है। तो व्यूवर्स, जो भी मेरे भाई लोग इंटरेस्टेड हैं इसके लिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साबिर भाई का नंबर आपको टाइटल में दिख रहा होगा। तो ये ब्लैक वाला आपको हटाना है, तो और ये जो है आपके घर की कुर्बानी के लिए है। तो सिर्फ आप कुराई और दर्रा पे जानवर तैयार कर दिया जी, कोई खल्ली वगैरह या आप? खल्ली वही जो खल्ली आता है, 30 खल्ली आता है वही देते हैं। और चना वगैरह? चना उन्होंने नहीं दे पाए, चना नहीं दे रहे थे, फिर बंद कर दिए, थोड़ा पेट गड़बड़ा जाता था, चना पचा नहीं पा रही। तो फुला के देते थे चना या सूखा? फुला के देते हैं, सूखा नहीं देते। अच्छा, तो दिन भर में कितना टाइम देते हैं दाना खिलाते हैं? देते हैं सुबह दे के जाते हैं 8 बजे, फिर रात में आके देते हैं 8-9 बजे तक। अच्छा, तो सुबह में आप कुराई देते हैं, क्या देते हैं? कुराई चोकड़। और रात में अनाज देते हैं? रात में देते हैं, उसमें जौ दे देते हैं, अभी गर्मी आए तो जौ देना। अच्छा, ये शौक ऐसा है इसके बारे में बताइए कि शौक अच्छा है बुरा है? लोग अच्छा शौक है, लोगों को करना चाहिए बच्चों को, मतलब जो पढ़ने लिखने वाले हैं? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आदमी आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इधर उधर गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे तो बेहतर है जी। बहुत अच्छा। तो ये जो ब्लैक वाला आपको हटाना है, ये कितने तक में हटाइएगा इसको आप? ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40 के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी जो व्यूअर्स जैसा देखेंगे दाम अपने हिसाब से करेंगे, उसके कम रेट हो जाएगा। ये देखिए आप, लेंथ है बहुत जानवर में, और हाइट इसकी मैं बता दूं आपको, कम से कम 37-38 इंच हाइट है इसकी। मेरी कमर जो है 39 इंच है, उससे थोड़ा कम आ रहा है, तो ये जो है 37 पकड़ के चलिए। और इसका जो वज़न होगा लाइव वज़न वो 70 किलो के करीब होगा। तो ये जानवर है ये ब्लैक, इसको हटाना है। ताबिर भाई, आपने ये जो ब्राउन एंड वाइट जानवर है बीच में सेल के लिए निकाला था, तो उसकी वजह? की वजह एक जानवर और मेरे था उस वक्त, मेरे पास 3 जानवर था, तो सोचे थे एक जानवर निकाल देंगे, लेकिन अच्छा। लोगों को लगा कि जब जानवर निकालते हैं तो लोग गायब निकाल लेंगे, क्यों हटा रहे हैं, क्या हटा रहे हैं, इस वजह से लोग कॉल करने लगे कि जानवर लेना तो है, बट ज़्यादा पूछते हैं रीज़न क्या है, तो ऐसा हम लोग रहने देते नहीं बेचते। और देखिए माशाल्लाह रिजल्ट अच्छा रहा, माशाल्लाह। देखिए लोगों को लगता है कि हर जो जानवर हटा रहे हैं तो उसमें ऐब ऐब या कोई प्रॉब्लम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलने फिरने में दिक्कत नहीं है जानवर को, और इंशाल्लाह इस बार कुर्बानी होगी,
बस हटाने की वजह यही थी कि तीन जानवर हो गया था, अब नहीं हटाना, अब ये जो ब्लैक वाला है इसको निकालना है। तो जो भी मेरे भाई लोग इंटरेस्टेड हैं इसके लिए कॉन्टैक्ट करें साबिर भाई को। तो इसको के लिए क्या इरादा किया है आपने इस ब्लैक के लिए? ये इसका इरादा यही है कि अगर 40 बोले हैं उससे थोड़ा बहुत कम मिल गया तो इसको सेल कर देगा, नहीं तो आगे साल इंशाल्लाह इसको आगे साल निकालेंगे। अगले साल मतलब जस्ट अभी दो ही दांत किया है, अभी बढ़ने वाली चीज़ है, अभी बढ़ेगा। अच्छा ये अभी हाइट लेंथ और निकालेगा तो बिका तो ठीक है, नहीं तो इसको अगले साल पलटी करेंगे। ये जानवर आप खोलते हैं नहीं रात वगैरह में दौड़ाते हैं? अभी खोल नहीं पाए, छत पे पेड़ पौधा भी इसके कारण खोल नहीं पाए। तो मतलब शुरू से ये इसी में रहता है, इसी एरिया में इसी में रहता है। तो कोई भी आदमी अगर इनके पास जगह है तो वो भी अपने छत पर ऐसे जानवर पोस सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो साबिर भाई के जानवर कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीटी व्लॉग्स। थैंक यू।